महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम अशोक चौहान के बहनोई और पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल खतगांवकर, उनकी बहन डॉक्टर मीनल पाटिल खतगांवकर और पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकरणा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भास्कर राव बिना किसी पद के लालच के ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस तरह के जमीनी कार्यकर्ता के स्वागत से उन्हें खुशी हो रही है। आपको बता दें कि नांदेड़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सांसद रहे वसंत चौहान के निधन के बाद उपचुनाव होने हैं। नाना पटोले ने कहा कि नांदेड़ में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस अशोक चौहान पर हमलावर नहीं हुई थी। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने अशोक चौहान को जवाब देने के लिए यह तरीका निकाला है। ऐसे में कांग्रेस में परिवार में ही सेंध लगा दी। मीनल पाटिल खतगांवकर ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से टिकट मांगा था। हालांकि बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रताप पाटिल चिकलीकर को भी टिकट दिया था। ऐसे में वह बीजेपी से असंतुष्ट थी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला है। वहीं कांग्रेस ने बिना अशोक चौहान के भी नांदेड़ सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने यह भी कहा कि चौहान के करीबी के इस तरह से स्वागत से पार्टी कार्यकर्ताओं में गलत संदेश भी जा सकता है, जिसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और सीनियर पदाधिकारियों से चर्चा के बाद भास्कर राव पार्टी में आए हैं। नांदेड़ में उनके स्वागत में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भास्कर राव के आने के बाद नांदेड़ का संगठन और भी अधिक मजबूत होगा। वहीं भास्कर राव पाटिल खतगांवकर ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मैं घर लौट आया हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे विधायक, सांसद और मंत्री के तौर पर सेवा देने का अवसर दिया है। कुछ समय के लिए दूसरी पार्टी में रहने के बाद मैं लौट आया हूँ। नाना पटोले के नेतृत्व में महाराष्ट्र की पार्टी मजबूत हुई है। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पहले से काफ़ी ज़्यादा सीटें मिलने वाली हैं। बता दें कि दादर में तिलक भवन में भास्कर राव के साथ दो अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस का दामन थामा। पटोले ने कहा कि खतगांवकर को पार्टी में शामिल करने का फैसला सहमति से लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।